गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। और मैं आप सबका हमारे प्रोग्राम DSD में यानी डेली स्पिरिचुअल डोज में स्वागत करता हूँ। मेरा ईमान है कि आप डेली वर्सेस से, आप डेली वचन से बरकत पा रहे हैं। और मेरे पास आज आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा विषय है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और मेरा विश्वास है कि आप उसको सुनने के बाद बरकत पाएंगे। हम किसी को भी मैसेज करते हैं, या हम व्हाट्सएप करते हैं, या हम किसी को फेसबुक पे मैसेज करते हैं, या हम किसी से मिलते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, और अगर वो मसीह में है तो हम उसको अगर बोलें कि हाउ आर यू, यानी कि आपका क्या हाल है, तो अगला शख्स जिसे हमने हाउ आर यू कहा वो हमें कहता है आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ। ये वर्ड जो हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं आई एम ब्लेस्ड, अगर इसको असल मायने में देखा जाए तो इसका मतलब है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, यानी कि मैं आशीषित हूँ। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लेस्ड वर्ड जो है ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, जिसका हिंदी में मतलब है कि मैं धन्य हूँ, यानी कि आई एम ब्लेस्ड का मतलब है कि मैं आशीषित हूँ। यदि वो शख्स आशीषित है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज पाई जाती हैं, जो क्वालिटीज प्रभु यीशु मसीह ने हमें मैथ्यू चैप्टर 5 उसके 3 वचन से लेके उसके 12 वचन तक सिखाई हैं। यदि वो कहता है आई एम ब्लेस्ड, तो देखना ये है, जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 3 वचन से लेके 12 वचन तक के सारे गुण अपने अंदर लेके आए। और यदि आप धन्य हैं, यदि आप ब्लेस्ड हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कुछ कहता है। मैं आप सबके लिए पवित्र बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ, आए पढ़ें। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बहुत है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। दोस्तों, इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको बहुत आशीष मिले, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो वर्ड ब्लेस्ड हम यूज करते हैं, मेरे रेवलेशन के अकॉर्डिंग जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं ये समझता हूँ ब्लेस्ड व्यक्ति वो है, ब्लेस्ड पर्सन वो है जो अपने जीवन में सेटिस्फाइड रहता है, ब्लेस्ड पर्सन वो है जो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ खुश रहता है। सेटिस्फाइड का मतलब वो जो भी बरकत उसको मिली है उसमें खुश है, वो जो भी आशीष परमेश्वर ने उसको दी है उसमें खुश है, वो आराधना में खुश है, और परमेश्वर के वचन के सारे गुण जो अभी हमने पढ़े हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं यस यू आर अ ब्लेस्ड, आप बहुत ही आशीषित व्यक्ति हैं। तो मैं आज के वचन के मुताबिक आप सबसे एक विनती करना चाहता हूँ कि यदि हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं दैट आई एम ब्लेस्ड, तो आप अपने अंदर पवित्र बाइबल मैथ्यू चैप्टर 5 के सारे गुणों को लेके आए, देखिएगा परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।